बिहार में इन दिनों बर्ड फ्लू का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। नवादा जिले के नरहट प्रखंड के बालीपुर गांव में 2 दर्जन से भी अधिक कौओं की मौत से बर्ड फ्लू होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मगध विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद दानिश ने अपनी टीम के साथ इसकी जांच की। उन्होंने बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए मरे हुए कौओं को सैंपल के तौर पर भोपाल भेज दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुर्गों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए विक्रेताओं को चेतावनी जारी की है। इस कदर कौओं की मौत से जिले में बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप मच गया है। हालांकि इससे अभी तक किसी भी आदमी को प्रभावित होने की सूचना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीसा भारती के पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे और यह पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं पिता लालू यादव के स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव पूरी तरीके से बीमार हैं, उन्हें बेहतर देखभाल की जरूरत है। इतना बेचैन तो हमारे लिए जो पार्टी से उम्मीदवार जो होना चाहते वो भी नहीं होंगे, जितने आप लोग हो चुके हैं बेचैन। देखिए कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, सब लोग लोकतंत्र है, सबको अपना कहने का अधिकार है पार्टी में, लेकिन इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ही करेंगे। जो बोर्ड की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर जो आखिरी निर्णय जो होता है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। कौन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। मीशा जी पहले चुनाव लड़ चुकी थी और देखते हैं आगे जो पार्टी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा वो मान्य होगा सबको, कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है जिस प्रकार से पहले भी लालू जी के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, उनके सेहत को देखते हुए हर एक चीज़ों को देखते हुए उम्मीद है कि कोर्ट जो है कल उनको जो है बेल देने का काम। तो एक बात जानिए, लालू जी की तबीयत ठीक होती तो वो अस्पताल में नहीं होता है। अस्पताल में इसी वजह से हैं क्योंकि उनकी सेहत खराब है और ये कोर्ट के आदेश हैं और डॉक्टरों के रिपोर्ट के आधार पर है और उन डॉक्टरों के रिपोर्ट के आधार पर है जो राज्य सरकार जो कि भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार जो एम्स में जो दिल्ली में है उन डॉक्टरों के आधार पर ही रिपोर्ट पे लालू जी जो हैं वो हैं। बाकी हम लोगों की तो उम्मीद है, आप बताइए ना, 60% किडनी उनका जो है खराब हो चुका है, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी है उनको, आपको किडनी में जो है पत्थर है, एक उम्र हो चुका है, प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर की ज़रूरत है। तो इसमें लगातार लालू जी को देखिए हमेशा से केस में कॉपरेट करने का काम किया, सीबीआई को चाहे कोर्ट को, जिस दिन बुलाया गया हाजिरी लगाने को उस दिन हाजिरी लगाने का काम किया है। तो देखिए उम्मीद है हम लोगों को, इसमें देखते हैं कल क्या। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लालू यादव के तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से चारा घोटाले के 3 मामले चाईबासा, देवघर और दुमका में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी, जहां मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अपील भी की गई थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने मेरिट के आधार पर बहस के लिए वक्त की मांग की थी, जिसके लिए कोर्ट ने 4 जनवरी का वक्त दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव को जमानत मिलती है या फिर कुछ और समय के लिए परिवार के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी इंतजार करना पड़ेगा।